हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कुछ चीज़ें ये हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर जो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिए तो फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। जैसे आप कोई भाषा सीखना चाहते हो तो उसके पहले क्या है, इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब समझ लेते हो, एग्जैक्ट मतलब समझ लेते हो, और फिर उसके बाद उसके सेंटेंस बन सकते हैं, उस भाषा को आपको समझ में आएगी। अदरवाइज ये चैप्टर समझने में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वैसे फील आपको इस चैप्टर का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की बारीकी नहीं समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट की हर कॉन्सेप्ट की बारीकी समझ में नहीं आएगी और उसकी वजह से एग्जामिनेशन में जब आप आंसर कर रहे होगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मेरा एफर्ट ये है कि चैप्टर में एक एक वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो सबसे पहले चलते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, यानी एक कंपनी है वहाँ वो उसका इन्वायरमेंट कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ दो तरीके से ऑडिटिंग हो सकती है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड से ऑडिटिंग हो सकती है, एक आईटी ऑडिट हो सकता है। जो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स है उसे कहते हैं ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। यानी ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट अगर हमारी स्टडी में कहीं भी बोला जाएगा तो आप ये सोच लेना इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन जो ऑडिटिंग हो रही है वो ट्रेडिशनल टेक्निक से हो रही है। अगर कहीं पर भी आईटी ऑडिट के बारे में बोला जाएगा, आईटी ऑडिट बोला जाएगा, तो आप ये समझ लेना है कि इसमें कई जगह पर मैनुअल टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, लेकिन जनरली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। अब मैनुअल टेक्निक्स कहाँ से यूज़ होंगी और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कहाँ पर यूज़ होंगी? मैनुअल टेक्निक्स क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, कुछ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये ओल्ड टेक्निक्स हैं। तो इंक्वायरी करते हो, लोगों से बात करते हो, पूछते हो, बिजनेस की नॉलेज लेते हो, डिपार्टमेंट की नॉलेज लेते हो, क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चनर्स देते हो, तो यानी कि आप इंक्वायरी कर रहे होते हो। उसके बाद ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद इंस्पेक्शन करते हो। इंस्पेक्शन टाइम पर क्या होता है, पुराने टाइम पर मैनुअल चीज़ें होती थी, मैनुअल बुक्स होती थी, आज की डेट में मैनुअल बुक्स नहीं होती हैं, ERPs होती हैं, या टेलीशैली होता है या ERP होता है। तो टेलीशैली या ERP में इनपुट और आउटपुट को तो आप देख सकते हो, मैनुअली देख सकते हो, वहाँ मैनुअल ऑडिट कर सकते हो, लेकिन प्रोसेसिंग को आप कभी मैनुअली ऑडिट नहीं कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो प्रोसेसिंग लॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है तो वहाँ दो तरीके से ऑडिटिंग हो सकती है। सबसे पहले हो सकती है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट का मतलब है इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है लेकिन ऑडिटिंग ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक से हो रही है। अब ये चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा और उसमें जनरली ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट कई बार यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको ये नहीं कहना है कि ये जो है ऑडिट, आईटी ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स नहीं हो रही हैं, ये ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, यहाँ ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी में कई बार आपने देखा होगा, मैंने कई कंपनियों में काम किया है, उनमें क्या है कि इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं हर कंपनी में, जनरली एक पर्टिकुलर लिमिट होती है इंटरनल ऑडिट्स के लिए, उसके बाद इंटरनल ऑडिट्स ऑडिटर होते हैं और दूसरे होते हैं वहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो जो भी इंटरनल ऑडिट, कई बार क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटर्स जो होता है वो एक लोकल ऑडिटर होता है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिग फोर से आता है, जनरली कई कंपनीज में ऐसा होता है। तो बिग फोर वाला ऑडिटर तो उसके पास स्किल, कॉम्पिटेंस होती है, और जो नॉर्मल ऑडिटर होता है वो पुराना शुराना ऑडिटर होता है और वो क्या है, ट्रेडिशनल ऑडिट पर आज भी विश्वास कर रहा होता है। तो यानी कि उस समय आप देख सकते हो, आपका इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, लेकिन जो आपका इंटरनल ऑडिटर है क्योंकि उसके स्किल और कॉम्पिटेंस उतने ज़्यादा नहीं है तो वो पुराने तरीके से ऑडिट करता है, पुरानी ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करता है।
और दूसरी तरफ क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है, वो बिग फोर से होता है, क्योंकि अच्छी कंपनी से होता है, तो वो उसके स्किल्स और कॉम्पिटेंस बढ़ गए होते हैं, और वो बढ़ते हुए स्किल्स और कॉम्पिटेंस के कारण के साथ ऑडिट करना स्टार्ट करता है, तो वो आईटी ऑडिट कर रहा होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर कर लेना है, आपको ये बात ये जान लेना है कि जो आईटी इन्वायरमेंट आईटी है, मतलब एक तो मैनुअल इन्वायरमेंट है, एक पुराना इन्वायरमेंट है, पुरानी कंपनी है, लालाजी की आज भी कंपनी चल रही है, और वो कंपनी भली 50 करोड़ 60 करोड़ की हो गई है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर शंप्यूटर नहीं है। वैसे वो ऐसी कंपनी आजकल होती नहीं है, बहुत कम होती हैं, अगर होंगी तो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल निल के करीब होगी। लेकिन टैली तो हर जगह आता ही आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो, एक 50 करोड़ 60 करोड़ की कंपनी, और वहाँ आईटी का यूज़ ही नहीं होता है, या कोई ऐसी एनजीओ है या पुरानी एनजीओ होती हैं, वो कई कुछ एनजीओज हैं जहाँ पर आज भी मैनुअल ऑडिट का काम चल रहा है, तो वहाँ पर मैनुअल इन्वायरमेंट है, मैनुअल ऑडिट है। तो ये कहने का मतलब, अगर मैनुअल इन्वायरमेंट है तो वहाँ मैनुअल ऑडिट होगा, जहाँ पर मैनुअल इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ आईटी इन्वायरमेंट है, वहाँ दो तरीके से ऑडिट हो सकता है, एक ट्रेडिशनल मेथड से हो सकता है, एक आईटी सिस्टम्स को यूज़ करके ऑडिट हो सकता है। जब ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई की जाएगी तो उसे ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट कहा जाएगा। तो यानी कि हम इस पूरे चैप्टर को आगे तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट वर्ड आए, वहाँ पर हमें ये जान लेना है कि एनवायरनमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन जो ऑडिटिंग हो रही है वो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक से हो रही है। और जहाँ पर आईटी ऑडिट आए तो ये समझ लीजिएगा कि जितनी मैनुअल तरीके से ऑडिट करने की ज़रूरत है वहाँ पर, उतना ही मैनुअल ऑडिट हो रहा है, बाकी सारी ऑडिटिंग जो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। तो क्या होता है, फिर से हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जब एक आईटी इन्वायरमेंट है और वहाँ पर हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ पर हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर झांकने के लिए करते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट को तो हम वैसे ही ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर के अंदर झांकना है तो हमें उसकी प्रोसेसिंग को देखना है, तो हम फिजिकली उसे नहीं देख सकते हैं, लॉजिकली उसे देखेंगे। जब हम उसे लॉजिकली देखेंगे तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि वो ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर असिस्टेड है, कंप्यूटर हेल्प कर रहा है, कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है। तो जिस तरीके से ये होता है कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटर को ऑडिट कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके कंप्यूटर को ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर को ऑडिट कर रहे हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होगी, डेटा जा रहा होगा, तो हम एक जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर उस समय यूज़ करेंगे, और जो डेटा टैली शैली या जो भी हमारा पेरोल प्रोसेसिंग हो रही है या पेरोल है या जो भी है उसको ऑडिट करेंगे। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में कंप्यूटर का यूज़ करके कंप्यूटर को ऑडिट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कभी कांटा कट जाता है तो आप क्या करते हो, एक पिन वगैरह लेते हो, उस कांटे को उस पिन से निकालते हो, तो यानी कांटा भी एक तरह का कांटा है और जो निकाल रहे हो वो भी दूसरे तरीके का कांटा है, तो कांटे से आप कांटे को निकाल रहे हो। तो जहाँ पर लॉजिकल ऑडिट की बात आती है तो आपकी कैपेबिलिटी, ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी और लॉजिकल ऑडिट करने की नहीं है, और क्योंकि वो लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर घुस नहीं सकता है, और चूंकि वो लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर घुस नहीं सकता है, तुझे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की ज़रूरत है, उसे कंप्यूटर को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगा जो उसे असिस्ट करेगा उन ऑडिट टेक्निक्स में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से समराइज करते हैं, और इससे पहले समराइज करें एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जब भी डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये मैंने कई सेशंस में बता दिया है, चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा इज़ किंग, और डेटा की वजह से डेटा को रखने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और उसको रखने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है, और उसको रखने के लिए हमें कंप्यूटिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो यानी डेटा की वजह से ये सारे सिस्टम की ज़रूरत है, और डेटा किंग हो गया है। तो अब इस डेटा की हमें प्रोसेसिंग करनी है, तो अगर मान लिया सपोज़ हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट निकल रहा है, इनपुट आउटपुट हमें दिखता है, इनपुट का मतलब ये है कि हम इन कर रहे हैं, इनपुट कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो तब तक वो मैनुअल उसमें है, ऑडिट के परव्यू में है। आउटपुट का मतलब क्या है, वो आउटपुट हो रहा है, बाहर निकल रहा है कंप्यूटर से, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है। कई बार वैसे आउटपुट कई बार ऐसा होता है, एक सॉफ्टवेयर का आउटपुट दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाता है, लेकिन जनरली हम आउटपुट को देख सकते हैं,
और उसको ट्रेडिशनली तरीके से ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स उसमें लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में हम ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स नहीं लगा पाते हैं। वहाँ पर हमारे पास कोई चारा नहीं होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होती हैं। तो ट्रेडिशनल ऑडिटर क्या है, यहाँ पर आके रुक जाता है, वो इनपुट देखता है, आउटपुट देखता है, प्रोसेसिंग नहीं देखता। अगर पेरोल सॉफ्टवेयर है तो सपोज वो पेरोल के अंदर घुसकर नहीं देखेगा, मतलब लॉजिकली घुसकर, फिजिकली तो घुस ही नहीं सकता, लॉजिकली घुसकर इसलिए नहीं देखेगा, ना तो उसके पास उतने स्किल्स होंगे, और स्किल्स होंगे तो उसके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो सॉफ्टवेयर उसके पास अगर नहीं है तो वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएगा। अब जो प्रोसेसिंग है, जो सिस्टम के अंदर चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर घुसकर देखना कंबाइंड विद दोज ट्रेडिशनल टेक्निक्स, वो आईटी ऑडिट कहलाता है। तो जब भी आईटी ऑडिट की बात होगी, कई जगह पर आप कंफ्यूजन होगा कि ये मैनुअल ऑडिट की बात क्यों कर रहा है, पूरी तरीके से आईटी ऑडिट होना चाहिए। पूरी तरीके से आईटी ऑडिट आज की डेट में इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं आई है। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, ब्रेक थ्रूज आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसके बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी उस दिन पूरा मैनुअल इंटरवेंशन हटा दिया जाएगा और पूरा सिस्टम 100% ऑटोमेटेड हो जाएगा। जब पूरा सिस्टम 100% ऑटोमेटेड आ जाएगा तो रियल आईटी ऑडिट आएगा। अभी रियल आईटी ऑडिट नहीं है, अभी जो आईटी ऑडिट है, जो आईटी ऑडिट है वो मिक्स है ट्रेडिशनल टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का। जहां पर हम मैनुअली ऑडिट करते हैं वहां मैनुअल कर लेते हैं, और जहां पर हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ईजिली यूज कर सकते हैं, वहां पर करते हैं, और जहां पर कई जगह पर हमें फोर्स होना पड़ता है यूज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है, उसके अंदर प्रोसेसिंग देखनी है, उसके कोड्स को रिव्यू करना है, उसके अंदर प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स देखने हैं, लॉजिकल कंट्रोल्स देखने हैं। दो टाइप के कंट्रोल्स पढ़े हमने, फिजिकल कंट्रोल्स और लॉजिकल कंट्रोल्स। तो कंपनी में जाएंगे तो फिजिकल कंट्रोल्स देखेंगे ही देखेंगे, उसमें मैनुअल ऑडिटिंग टेक्निक्स देखी जाएंगे। हम जाकर देखेंगे कि यार फिजिकल ऑडिट्स कहाँ पर लगे हैं, उसमें कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग नहीं लग सकती। लेकिन लॉजिकल कंट्रोल्स आपको देखने हैं तो कैसे देखोगे, लॉजिक कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, कोई गलत कोड्स तो नहीं डला है, कोई ट्रोजन हॉर्स तो नहीं डला हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो लॉजिकल कंट्रोल्स देखनी पड़ेंगे। आपको किसी आदमी ने इस डेटा में किस किस लोगों ने एक्सेस किया, कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है, किसको ऑथराइजेशन करने का एक्सेस है, किसको इनपुट करने का एक्सेस है, तो ये सारे कंट्रोल्स लॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और इन लॉजिकल कंट्रोल्स को अगर आप वेरीफाई करोगे तो एक तो आईटी डिपार्टमेंट के साथ बैठो और उससे बात करो, क्वेश्चन करो, लेकिन ये लॉजिकली कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। और फिजिकली तो आप घुस नहीं सकते हो, लॉजिकली आप घुसोगे किससे, क्या चीज़ करोगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करोगे। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होती हैं, कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर का ऑडिट करना। यानी कि आपके अंदर अगर एक कांटा गड़ गया है तो दूसरा कांटा लेते हो और पहले कांटे से दूसरे कांटे को निकालने की कोशिश करते हो, और जब दोनों कांटे निकल जाते हैं दोनों कांटे को अलग रख देते हो। तो यहाँ कांटा तो आपको गड़ा है कि नहीं गड़ा है ये हमें पता नहीं है, गल प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आपको कंप्यूटर के अंदर देखना है तो उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही देखोगे। तो अब आप आगे बढ़ोगे, आईटी ऑडिट पढ़ोगे, आईटी ऑडिट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आप ये जान जाओगे कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है तो इसलिए 100% ऑटोमेटेड सिस्टम्स नहीं है, चूँकि 100% ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, 100% मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो आईटी ऑडिट का मतलब क्या है। आईटी ऑडिट का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट कंप्यूटराइज्ड है और वहाँ पर हम आईटी ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कुछ तो जगह तो हम मैनुअल ऑडिट करेंगे जहाँ पर मैनुअल ऑडिट होता है, और कुछ जगह जहाँ पर आईटी का यूज़ हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हम आईटी का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आईटी का यूज़ करेंगे। और कई जगह पर तो बहुत ज़रूरी होगा, कई जगह पर तो डिस्क्रिशन नहीं होगा, कई जगह पर मैनुअल का ही डिस्क्रिशन होगा, और कई जगह पर आपके पास चॉइस होगी, जहाँ पर चॉइस होगी तो वहाँ पर आप आईटी का यूज़ करोगे, आईटी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करोगे, एक्सेल शीट्स यूज़ करोगे वहाँ पर ऑडिट करने के लिए, वहाँ मैनुअली नहीं करोगे, एक्सेल शीट्स यूज़ करोगे। और जहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होगी उसको वैसे ही छोड़ोगे नहीं, वहां कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करोगे, सिस्टम के अंदर लॉजिकल घुस के आप करोगे, यानी कि व्हाइट बॉक्स अप्रोच करोगे, ब्लैक बॉक्स अप्रोच नहीं करेगा। तो और ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है,
कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में आप ऑडिटिंग कर रहे हो, यानी कि जिस कंपनी में जा रहे हो उसका इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन आप ऑडिटर ऐसे हो जिसका स्किल्स उतना ज़्यादा है, इनकॉम्पिटेंट ऑडिटर हो। इनकॉम्पिटेंट क्या, पहले किसी ज़माने में आप बड़े कॉम्पिटेंट ऑडिटर थे, लेकिन क्या है कि आपने स्किल नहीं बढ़ाया। हर 5 साल में कंप्यूटर में जनरेशन चेंज हो जाती है, तो आपने अपने स्किल्स को बढ़ाया नहीं और स्किल्स ऑब्सलीट हो गए। आप ऑब्सलीट टाइप के ऑडिटर हो, आप जाते हो तो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करते हो। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी में ऑडिटर जाता है तो ऑडिटर जाते ही वो कहता है कि भाई ऐसा है, क्या कहते हैं, जो टैली का जो आपकी फाइल है, जो डेटा फाइल है, वो हमें दे दो। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट अकाउंटेंट होता है, तो अकाउंटेंट बोलता है कि मैं तुम्हें टैली की फाइल नहीं दूंगा, तुम मैनुअली मुझसे कुछ मांग लो। वो कहता है नहीं जी, मुझे टैली की फाइल दे दो। अब दोनों की भिड़ जाती है, क्योंकि अकाउंटेंट को पता है अगर टैली की फाइल दे दी तो मेरी गलतियां ये सारी निकाल देगा, हो सकता है मैंने फ्रॉड किया ये निकाल देगा। तो वो लड़ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि भैया मैं टैली की फाइल नहीं दूंगा, या ERP का पूरा डेटाबेस आपको नहीं दूंगा, आपको वैसे ऑडिट करना है कर लो, आप मुझसे जो मांगना है मैं प्रिंट आउट दे देता हूं। तो वो फोर्स कर रहा होता है उसे ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करें, उसको कंप्यूटराइज्ड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता है, ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करने की इजाज़त देता है। और कई जगह पर क्या होता है कि ऑडिटर आता है, वो कहता है कि जी फाइल तो क्या लेनी है, आप मुझे मैनुअल में प्रिंट दे दो। अब ये ऑडिटर स्किलफुल नहीं है, अब ये ऑडिटर का कॉम्पिटेंस नहीं है, ये ऑडिटर ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ये IT ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके स्किल अपडेटेड नहीं है, ये मैनुअली सारी चीज़ें मांग रहा है, इसने अपने स्किल्स इस तरह से अपडेट नहीं किए कि कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुसकर वो देख सके। तो यानी कि दो, अगर हम फिर से इसको रीएनालाइज करें, आपकी कंपनी में ऑडिटर आते हैं, एक ऑडिटर आता है वो मैनुअली मांगता है, पहला स्टेप वो कहता है कि जी मैनुअली मैं दूंगा, टैली अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया है, हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, बहुत है। बोलता है जी टैली वाली मैं क्या देखूंगा, आप मुझे प्रिंट आउट दे दो। अगर वो आपसे प्रिंट आउट मांग रहा है तो वो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स का फॉलो कर रहा है, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है। अब एक और ऑडिटर है, वो दूसरी कंपनी में जाता है, उस कंपनी में वो जाता है, वहाँ का अकाउंटेंट या तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या उसको डर कुछ गलतियां करता है, या वो फ्रॉड कर रखा होता है, या वो डरपोक होता है, उसको डर रहा होता है कि अगर मान लिया सपोज मैंने इसे पूरी टैली की डेटा फाइल दे दी तो ये तो गलतियां निकालता चले जाएगा। अब ऑडिटर कहता है जी मुझे डेटा की फाइल दे दो, और जो अकाउंटेंट है वो कहता है मैं डेटा की फाइल नहीं दूंगा, आप जो भी मुझे पेपर में जो मांगना है वो पेपर में दे दो आप। तो ऑडिटर जो है वो IT ऑडिट करना चाहता है, लेकिन अकाउंटेंट उसे फोर्स कर रहा है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट करे। वो कह रहा है कि भैया मेरा इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन ऐसा है आप ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक अपनाओ, यानी कि ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट करो। यानी कि ऑडिटर कह रहा है मैं IT ऑडिटर हूँ, मैं IT ऑडिट करूँगा, वो अकाउंटेंट कह रहा है नहीं ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट करो। जैसे ही अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आप उसे लॉजिकली चीज़ें मांग रहे हो और वो फिजिकली चीज़ें दे रहा है, तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो वो अकाउंटेंट वेस्टेड इंटरेस्ट है, या कहीं पर मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं, या वो डर रहा है, या उसने फ्रॉड किया है। नहीं तो वो ओपन करेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट आदमी तभी होता है जब वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी में, जब उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तीसरी बात यह है कि वो अगर एरर ओमिशन हो गया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, तो वो कहता है ठीक है एरर और ओमिशन हो गए यार, इसे ठीक कर लेंगे, फीडबैक आएगा तो ठीक कर लेंगे, ये फीडबैक भी जरूरी है। और चौथा, उसने फ्रॉड नहीं किया होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, हमने ये जाना कि IT इन्वायरमेंट ऑडिट मेथोडोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। IT इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट IT, यानी यहाँ पर कंपनी IT थी,
एक आईटी कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे थे, मैनुअल कंपनी में नहीं जा रहे थे। मैनुअल कंपनी में जाओगे तो मैनुअली ऑडिट करोगे, यहाँ आईटी कंपनी थी, आईटी कंपनी में आप ऑडिट गए। पहले केस में आप एक ऑडिटर हो, जो पुराने ऑडिटर हो, किसी टाइम पर कॉम्पिटेंट थे लेकिन आज इनकॉम्पिटेंट हो गए हो, क्योंकि स्किल्स आपके अपडेट नहीं हुए हैं और आपको आईटी ऑडिट करना नहीं आता है, स्किल्स और कॉम्पिटेंस आपने बढ़ाए नहीं है, वही पुराना माइंडसेट है। आप लेकर जाते हो और कहते हो कि जी हमें पेपर ट्रेल दे दो। जब आप पेपर ट्रेल मानते हो तो इसका मतलब ऑडिटर इनकॉम्पिटेंट है, इस ऑडिटर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आप उस ऑडिटर को बेवकूफ़ बनाकर जो मैं कंपनी में जो अकाउंटेंट है या लोग बैठे हैं वो उसको बनाकर इजीली भेज सकते हैं और वो ऑडिट क्वालिटी ऑडिट नहीं होगा। दूसरा केस ये है कि ऑडिटर तो कह रहा है कि जी मैं आईटी ऑडिट करूंगा, तुम मुझे लॉजिकल डॉक्यूमेंट दो, सारे डॉक्यूमेंट्स लॉजिकली दो और मैं सिस्टम में ही ये सारे देखूंगा, मेरे को लॉजिकल पेपरलेस ऑडिट करूंगा मैं, विद पेपर ऑडिट नहीं करूंगा। तो वो आईटी ऑडिट करना चाह रहा है, लेकिन जो अकाउंटेंट है क्योंकि वो डरा हुआ है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है या उसने फ्रॉड किया है या उसमें गलतियां हैं या वो डरता है कि ऑडिटर ज़्यादा पूछेगा या वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो फोर्स कर रहा है कि ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट हो, यानी कि मेरा एनवायरनमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी ऑडिटिंग टेक्निक्स हों वो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स आप अपनाओ। और एक जगह कंपनी जो है एफिशिएंट होती है, कंपनी जो है सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के बंदे ट्रेंड होते हैं, ऑडिटर भी ट्रेंड होता है, ऑडिटर आता है, ऑडिटर इंक्वायरी इंस्पेक्शन इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करता है, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन तो मैनुअल ऑडिटिंग टेक्निक्स है, उसके बाद जहाँ तक इंस्पेक्शन की बात आती है तो वो चीज़ों को मंगाना स्टार्ट करता है। जब चीज़ों को मंगाना स्टार्ट करता है तो लॉजिकली ढंग से मंगाना स्टार्ट करता है, ईमेल से भेज देना, वो बोलता है कि अगर आपका डेटा है तो आप पूरा साल का डेटा भेज दो, मैं इसमें से देख लूंगा, मेरे को पेपर नहीं चाहिए, पेपर का मैं यूज़ ही नहीं करता, आईटी का यूज़ करता हूँ। और फिर उसके पास जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बोलता है अपने सिस्टम दिखाओ, वो आईटी के वहाँ चले जाता है, आईटी से बोलता है कि भैया मेरे पास जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है, मैं प्रोसेसिंग चेक करना चाहता हूँ। अगर वो कहेगा आईटी के पास बैठा है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर लेकर और कहता है कि मैं प्रोसेसिंग चेक करना चाहता हूँ, उसके पास एक्सेल ही नहीं है, एक्सेल भी एक जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल के अलावा भी उसके पास सॉफ्टवेयर्स हैं और वो लॉजिकल प्रोसेसिंग देखना चाहता है, अगर कंपनी के अंदर कोई ईआरपी है या कंपनी के अंदर टेलीशैली है, टेलीशैली किसी सर्वर में रखी हुई है, तो वो ये देखना चाहता है कैसे डेटा रखा जाता है, क्या किस तरीके से इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है। अगर वो ये चेक कर रहा है इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसके लिए जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो आईटी ऑडिट कर रहा है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, मेरी लगता है ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है ऑडिट ऑब्जेक्टिव। जब आप आईटी ऑडिट कर रहे हो, मैं ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आईटी ऑडिट की बात कर रहा हूँ। अब जब आप आईटी ऑडिट कर रहे हो, यानी कि आपका एनवायरनमेंट आईटी का है, आप जिस कंपनी में जा रहे हो सोफिस्टिकेटेड आईटी एनवायरनमेंट लिए कंपनी है, ओरेकल जैसी कंपनी है, उसमें ऑडिट करने जा रहे हो और आप ऑडिटर भी बिग फोर के ऑडिटर हो, यानी ऑडिटर भी सही है और कंपनी भी सही है, ऑडिटर भी के भी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस हैं, कंपनी के भी आईटी एनवायरनमेंट मैच्योर आईटी एनवायरनमेंट है, दोनों के एनवायरनमेंट मैच्योर आईटी एनवायरनमेंट है, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो सेम रहेगा लेकिन ऑडिट रिस्क बढ़ चुका होगा। मैनुअल ऑडिटिंग के मैनुअल जो है, जहाँ कंपनी में मैनुअल सिस्टम्स होंगे, यहाँ पर ऑडिट रिस्क बढ़ चुका होगा, ऑडिट मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी, जो ट्रेडिशनल कंपनी है उससे ऑडिट मेथोडोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट होगी। पहली चीज़ यहाँ पर, पहला कॉन्सेप्ट ये है ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम होगा। अब ऑडिट ऑब्जेक्टिव हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें पता ही है, लेकिन फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आप ऑडिट करने जाते हो, आपकी ऑडिटिंग फर्म है, आप अपने बॉस के पास जाते हो तो बोलता है ऑडिट करना है। अब जब जैसे वो बोलता है ऑडिट करना है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव अभी फिक्स नहीं है, उसने बताया नहीं आपको इंटरनल ऑडिट करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, पीएफ ऑडिट करना है, ईएसआई ऑडिट करना है, क्या ऑडिट करना है, उसने आपको नहीं बताया, अभी ऑडिट ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है। अगला सेंटेंस वो बोलता है कि भैया आपको इंटरनल ऑडिट करना है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया।
अगर वो कह देता है टैक्स ऑडिट करना है, दोनों के ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग हैं, टैक्स ऑडिट के ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग हैं, इंटरनल ऑडिट के ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग हैं, पीएफ ऑडिट के ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग है। पीएफ ऑडिट के आप जाओगे तो आप देखोगे मिनिमम पीएफ कर रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जो 6500 की लिमिट है या 780 कटना है मिनिमम, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12% कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर किसी का ऑडिट अगर पीएफ अगर नहीं कर रहा है तो एक पर्टिकुलर फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करके रखा गया है कि नहीं रखा गया है, डिक्लेरेशन लिया गया है कि नहीं लिया गया, सही तरीके से डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे पीएफ का ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल ऑडिट के लिए आप जाते हो तो क्या है, सबसे पहला एसेट्स, एसेट्स सेफ गार्डेड हैं कि नहीं, एसेट्स का एफिशिएंट यूज़ होता है कि नहीं होता है, और तीसरी बात यह कंपनी अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर कमर्शियल कंसर्न है तो प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होगा, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेवा करना उसका ऑब्जेक्ट होगा, सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ऐसे में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सेवा कर रहा है तो पेनी पेनी सेवा में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कहीं मालूम पड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे को फनलिंग तो नहीं कर रहा है या कुछ दूसरी चीज़ें तो नहीं कर रहा है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्टैच्यूट की कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट सही बनी है कि नहीं बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 6 के अनुसार कंपनीज एक्ट वगैरह के अनुसार बनाए कि नहीं बनाए, डेप्रिसिएशन सही तरीके से लगाए कि नहीं लगाए, सारे शेड्यूल्स सारे स्टैच्यूट फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, स्टैच्यूटरी ऑडिटर उस परस्पेक्टिव से देखेगा, इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह देखेगा, वो कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखेगा। टैक्स ऑडिट में आप टैक्स को ऑडिट करोगे, पीएफ ऑडिट में पीएफ को ऑडिट करोगे, यानी ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग अलग चीज़ के अनुसार अलग अलग चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक बार आप एक कंपनी में घुस गए और इंटरनल ऑडिट करने के लिए घुस रहे हो, अब आप जा रहे हो, अब आपको ये पता नहीं कि कंपनी में मैनुअल इन्वायरमेंट है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा। अब आप उस ओरेकल नाम की कंपनी की तरफ बढ़ने लगे या माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी की तरफ बढ़ने लगे या एक्स वाई जेड कंपनी की तरफ बढ़ने लगे, आपने कार बुक की, आपने इनका कंपनियों का सपोज नाम कभी नहीं सुना है, ठीक है ओरेकल है पहली बार आप ऑडिट करने इसमें जा रहे हो, ओरेकल का नाम दुनिया जानती है, लेकिन सपोज आपने नहीं सुना है, ओरेकल कोई सोफिस्टिकेटेड नई कंपनी पैदा हुई है आज की डेट में, बड़ी हो गई लेकिन किसी वजह से आपने नाम नहीं सुना है, आपको ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो चुका है। अब आप कंपनी के अंदर घुसते हो, देखते हो मैनुअल एनवायरनमेंट है, एक्स वाई जेड कंपनी है, मैनुअल एनवायरनमेंट है, वैसे तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, आप पहले ही प्लान करोगे, लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पर कुछ समझने के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऑडिट प्लान बनाओगे और कई चीज़ें होंगी तो आपको पहले बताओगे, आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा कि ये भाई कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ है, आपको ये भी बताओगे, और एक्कल कंपनी है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हाईली सोफिस्टिकेटेड आई टी इन्वायरमेंट है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको नहीं समझ पाते हो, आप उस कंपनी में जाते हो प्रीलिमिनरी मीटिंग के लिए जाते हो, जब आप उस कंपनी में जाते हो आपको लगता है मैनुअल है तो आपको पता चलता है ऑडिट रिस्क बहुत कम है, ऑटोमेटिकली पता चलता है रिस्क कम है इस कंपनी में, और यहाँ पर मैनुअल ऑडिटिंग या ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओरेकल जैसी कंपनी में जाते हो, आप जानते हो रिस्क यहाँ ज़्यादा है, भले आप ये जानते हो कि ओरेकल जैसी कंपनी है तो कंट्रोल्स भी बहुत सही हैं, बहुत सही लगे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए ओरेकल नहीं कोई आईटी कंपनी है, कोई सॉलिड आईटी कंपनी है जिसका नाम आपने नहीं सुना है, तो आप ये जानते हो यहाँ पर रिस्क बढ़ गएंगे, यहाँ पर ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, ऑडिट टेक्निक्स यूज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी, ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक मैनुअल कंपनी है, आपको आप कह रहे हो मैं लैपटॉप लेकर जा रहा हूँ, लैपटॉप तो यूज़ ही नहीं होगा, आज भी वो खाते पेन से लिखे जाते हैं, मगर कोई डेटा मांगूंगा मैं कहूँगा एक्सेल में दे दो डेटा, तो वो तो पूरा ये 4 दिन लगा देगा उसको उस डेटा को एक्सेल में लिखने में, तो डेटा एक्सेल में देखा ही नहीं जा सकता है, बुक्स देखी जा सकती हैं, और बुक्स में अगर टोटलिंग सही तरह से हो गई वही बहुत बड़ी बात है, ट्रायल मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात है। और अगर कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में आप जाओगे, आप जानते हो कि ये ट्रायल तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस शीट भी बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, उसके क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आ सकता है, क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रोविजनिंग जो है वो एस्टिमेट्स के बेसिस पर होता है, तो प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा आपको एंट्रीज देखनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है ऑडिट ऑब्जेक्टिव मैनुअल इन्वायरमेंट में और कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होता है।
ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव मैनुअल इन्वायरमेंट और इसमें चेंज होता है, आप कहोगे नहीं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स है दोनों इन्वायरमेंट में, लेकिन चेंज क्या होता है, ऑडिट टेक्निक्स चेंज होती हैं और रिस्क चेंज होता है, रिस्क बढ़ता घटता है। जितना कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होगा, जितना ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट होगा, उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये जाना, दूसरा कॉन्सेप्ट ये जाना कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, ऑडिट रिस्क और ऑडिट मेथोडोलॉजी चेंज होती है। यानी कि अगर सपोज 100 इजी 10 × 10 इज इक्वल टू 100, तो 100 तो फिक्स हो गया, अब 50 × 2 इज इक्वल टू 100, और कई जगह पर क्या हो जाएगा 25 × 4 इज इक्वल टू 100, कई बार होगा 5 × 20 इज इक्वल टू 100। तो ये वेरिएबल आपके 5, 20, 2 × 50, 100 × 1 ये सारे वेरिएबल हैं, 100 तो वेरिएबल नहीं है। तो इसी तरह से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वही है, वो तो फ्रीज हो गया है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। अब ऑडिट के रिस्क की बात करनी है और ऑडिट के मेथोडोलॉजी की बात करनी है। नॉर्मली आप जानते हो कि जितना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा उतना ऑडिट रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल आदमी नहीं कर रहा होगा, कंट्रोल सिस्टम कर रहा होगा। सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, वो डेटा से कंट्रोल करता है, यानी कि डेटा किंग बन जाएगा। और डेटा जो है आज की डेट में बहुत तेज़ी से मूव करने लगा है, मतलब सिस्टम को कंट्रोल करने वाला डेटा भी बड़ी फास्टली मूव करता है, और वहाँ पर आप सिस्टम अगर ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको बड़ी जल्दी चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे। आप कंपनी के अंदर जाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि प्रोसेसिंग कैसे चल रही है। प्रोसेसिंग जाने के लिए आपको फिजिकल वर्ड से लॉजिकल वर्ड के अंदर घुसना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुसना पड़ेगा, और कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे होते हैं। यानी कि जो सीपीयू है या दूसरी चीज़ है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज ही फ्लो कर रहे होते हैं, 0101 जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज हैं, मतलब डिजिटल या एनालॉग दो तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है। कंप्यूटर के अंदर जनरली डिजिटल मेथड से ट्रांसमिट होगा, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जा रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज गया 1, नहीं गया 0, गया 1, फिर गया 1, फिर गया 1, फिर नहीं गया 0, फिर नहीं गया 0। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज एक दूसरी जगह घुस रहे होंगे। इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, यानी कंप्यूटर को ऑडिट करना पड़ेगा कंप्यूटर के थ्रू। आप इस कंप्यूटर को ऑडिट करोगे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो लास्ट में इसे फिर समराइज़ कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हमने दो कॉन्सेप्ट जाने। पहला कॉन्सेप्ट था ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट और आईटी ऑडिट। ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट तो कंप्यूटराइज्ड है लेकिन ऑडिटिंग ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक से हो रही है। अब इसमें ये हो सकता है ऑडिटर कॉम्पिटेंट है एक केस में, इनकॉम्पिटेंट है, दूसरे केस में ये हो सकता है जो अकाउंटेंट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या वो इन्फॉर्मेशन लॉजिकली नहीं दे रहा है, वो पूरे सिस्टम वो ये। आजकल तो क्या होता है कि कंपनी में जाते हो, अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर ऑडिट का अपना मॉड्यूल होता है, ऑडिटर का अपना मॉड्यूल होता है, एक ERP होती है, ऑडिटर का मॉड्यूल होता है, ऑडिटर बैठेगा और आपको ऑडिट करेगा, जो ऑडिटर बैठकर उसको ऑडिट करेगा, फ्रीली ऑडिट करेगा, उससे वो चेंज नहीं कर सकता है डेटा। व्यू, उसको व्यू राइट्स पूरे होते हैं, 100% व्यू राइट्स होता है पूरा, उसको किसी को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, उसको अपना पासवर्ड होता है। अगर वो कंटिन्यूस इंटरनल ऑडिटर है वो आएगा, उसके अपने पासवर्ड्स हैं, वो आईटी के पास जाएगा, परमिशन लेगा और उन पासवर्ड्स लेकर फिर वो पूरे ERP को देखना स्टार्ट करेगा, ERP को व्यू करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ऑडिटर चेंज नहीं कर सकता, उसके पास व्यू राइट्स होते हैं। तो अपने ऑडिटर नो डाउट उसके लॉग्स बन जाएंगे, कब कब उसने देखा, अगर दो ऑडिट टीम में दो या तीन ऑडिटर्स हैं तो उनको अलग अलग लॉगिन में दिया जाएगा, और जो जो एरिया को ऑडिट करना है, जो ऑडिट प्लान है, जो जो किसी को